जय बद्री विशाल, आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता बीज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ शहर से। और मैंने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के 7 बजे से, क्योंकि अभी हम लोगों की तैयारी है फुलकोटा में जाने के। और ये फुलकोटा मेला नरसिंह मंदिर में लगता है। और फुलकोटे में क्या क्या होता है मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगी और ले चलती हूँ मैं आज आपको फुलकोटे में दिया देने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे दिए जाते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे साथ यूं ही बने रहना। और हम आ चुके हैं अभी फुलकोटा वाले पूजा घर के अंदर। और ये है गांव वालों का पंचायती घर और यहीं पर दिए जाते हैं दिए। और अभी इनकी चल रही है तैयारी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियाँ चलती है। ये देखिए यहाँ पे चल रही है फुलकोटे की तैयारी। और यहाँ पे इस प्रकार से दिए जाते हैं। पहले लेना पड़ता है टोकन नंबर। टोकन नंबर लगाने के बाद इनमें रखे जाएंगे दिए और थोड़ी देर बाद सारे दिए जलेंगे, तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगते हैं दिए। और ये देखिए यहाँ पे हो रही है दिया देने की तैयारी, जो कि घी का दिया जाता है। लेकिन अभी तैयारियां चल रही है, जब दिया जल जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से यहाँ पे दिया जलते हैं और कैसे लगते हैं। और ये आपको सामने पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये चंडिका जी का स्थान है, जो कि अभी नहीं लाए गए हैं। जब कैलाश से ब्रह्म कमल लाए जाएंगे और तभी चंडिका जी लाई जाएंगी और इस स्थान पर रखी जाएंगी। ये है चंडिका जी का स्थान। और आप थोड़ा इस दिए के बारे में हमको बता दीजिए। और ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये टोकन नंबर कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने दिए की पहचान कर लेते हैं। इसमें हमारा नेम प्लेट होता है, जिसमें हम इजीली अपने दिए को ले जा सकते हैं। और ये टोकन सिस्टम यहीं से दिया जाता है ना, और इसके हिसाब से दिए रखे जाते हैं। और ये जलाए कब जाएंगे? अभी ये तैयारियां चल रही है। घी का ही दिया यहाँ पे जलाया जाता है, अखंड दिया। और कब उठाए? आज रात को जला करके रखेंगे। और यहाँ पे काटे जा रहे हैं टोकन के पर्चे। ये देखिए टोकन जो कि दिए पे लगाए जाते हैं, वो टोकन यहाँ पे से लेना पड़ता है। हमारी मामी जी और ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष है, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं यही करती हैं। अभी दिखाएंगे इनके कीर्तन भजन आप लोगों को। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है दिया देने वालों की, और आने वाले फुलारियों का इंतजार हो रहा है। आप देख सकते हैं भीड़ों का भंडार, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ लोग फुलारी को लेने जाएंगे, यहाँ की जो महिला मंगल दल होती है वो उनका स्वागत करने के लिए जाएंगी। और ये देखिए दिया जलने लग चुके हैं, और कुछ दिए जल चुके हैं और कुछ अब जलेंगे। देखिए सारी महिला मंगल दल को बड़ी उत्सुकता है कि हमारी फुलारी आने वाले हैं, और वो लोग सब लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। और इंतजार की घड़ियाँ अब हो चुकी है खत्म, और महिला मंगल दल की महिलाएं यहाँ से निकलेंगी सीधा फुलारी लेने के लिए, और उनका स्वागत करते हुए उनको यहाँ पंचायती घर तक पहुँचाएंगी। और ये देख सकते हैं सारी महिलाओं का उत्साह। ये हमारे यहाँ के वाद्य यंत्र जिनको ढोल दमो कहते हैं, और इन ढोल दमोहों को बजाकर आह्वान किया जाता है, भगवान को बुलाया जाता है। और जो फुलारी आ रही है उनके आने के स्वागत में ढोल दमो बजाया जा रहा है, और इन्हें कहते हैं ठाकरे। भगवान के आह्वान में बजाए जाते हैं, और
भगवान का स्वागत इन्हीं यंत्रों द्वारा किया जाए। ये देखिए बच्चे बजा रहे हैं यहाँ पे, और ये भी भगवान के आह्वान में ये भाकड़े बजाए जाते हैं, इनको भाकड़ा कहते हैं। और ये देखिए जैसे ढोल दमो होते हैं वैसे ही ये बजाए जाते हैं। भगवती चंडिका के मंदिर के ठीक पास विशेष बात यह है कि जोशीमठ में और भगवती चंडिका का पूजन चतुर्दशी और पूर्णमासी के दिन किया जाता है, ठीक पितृपक्ष के पहले। आज वो पुण्य दिन है, भगवती चंडिका हमारी अधिष्ठात्री देवी है। वस्तुतः तीन मूर्तियां देखने को मिलती हैं, एक पास के गांव में जिसे मेरा गांव कहते हैं, दूसरा एकदम निकटवर्ती गांव मेरा जिसे रविग्राम कहते हैं, और तीसरा जोशीमठ जो प्रतिमा में दिखती है मेरे गांव में रिक्षेश्वरी नाम इनका, जो रविग्राम में है उस प्रतिमा का नाम, उस भगवती का नाम बागेश्वरी है, और जो जोशीमठ में राज राजेश्वरी है। ये तीन देवियां देखने को मिलती हैं और आज पूर्णमासी के दिन इन तीनों की पूजा। विशेष बात यह कि सुदूर ऊपर हिमालय में जाके ब्रह्म कमल आते हैं, ब्रह्म कमल से भगवती की अर्चना पूजना होती है। आज वो पुण्यशाली दिन भगवान बद्रीनाथ जी से, भगवान नृसिंह से और भगवती राज राजेश्वरी से। आज के दिन हम अनेक जैसे हम ककड़ी कहें, मुंगरी कहें, ककड़ी मुंगरी घर में खेती करते हैं, भगवती को अर्पण करते हैं, एक दिया जलता है प्रत्येक परिवार की ओर से। लगभग 800 परिवार हम इस गांव के, जोशीमठ गांव के 800 दिए जलाए जाते हैं, अखंड दीपक जिसे कहते हैं हम, और ये शुद्ध घी का दीपक जलता है। ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और एक वर्ष पूरी भगवती हमारी रक्षा करती है, समृद्धता के लिए हम पूजा करते हैं। बहुत पुरानी परंपरा, कुछ ही क्षणों में भगवती जो मूर्ति के रूप में विराजमान है नृसिंह मंदिर में आएंगी, यहाँ पे पूजन होगा, यहाँ पे ब्रह्म कमल उससे भगवती का आराधन होगा, और 24 घंटे तक यहाँ पर जागर लगेंगे, यानी जो पहाड़ी गीत हमारे होते हैं जिसे जागर कहते हैं वो जागर लगेंगे, और यहाँ के ढोल, यहाँ के वाद्य, यहाँ के वाकरे कहते हैं बड़े बजने वाले मुँह से बजने वाले बाजी, सब तैयारी है। विशेष रूप से गाँव की स्त्रियाँ इस पर एक मांगल नृत्य करती हैं जिससे यहाँ पहाड़ी भाषा हम गाकुड़ी कहते हैं, इसे सुनने के लिए बहुत लोग बाहर जाते हैं। बस लाभ की बात है और उस लाभ के लिए हम भी भगवती के चरणों में खड़े हैं। इधर जल चुके हैं सारे दिए इस तरीके से, और ये रात भर जलते रहेंगे और कल की रात को इनको उठाया जाएगा और जलते दिए अपने घर ले जाए जाएंगे। ये देखिए अब हो चुका है चंडिका माता का श्रृंगार, और श्रृंगार होने के बाद अपने स्थान पर विराजमान हो चुकी है चंडिका जी, और इधर लग चुके हैं ब्रह्म कमल, और ब्रह्म कमल से सजा दिया गया है। ये देखिए
यहाँ पर लगाए जा रहे हैं चंडिका माता के जागर। ब्रह्म कपल कमल लेने गांठों में जाते हैं, एक दिन जाने का होता है, एक रात वो लोग वहीं रहते हैं और उनका व्रत रहता है और सुबह पूजा अर्चना करके और उसके बाद वो कमल का फूल तोड़ते हैं बिल्कुल कंकंडरा में जाके, और दूसरे दिन शाम को आते हैं सभी इस मेले को खुले बनाने के लिए सभी मातृशक्ति डांकुड़ी लगा करके, भजन कीर्तन करके, जागर लगा करके सब लोग हर्षोल्लास से इस मेले को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ये परंपरा हमारे कई पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ पुजारी होता है, वो पुजारी वही होता है, हमारे वहाँ एक शक्ति है बिहारा, उस बिहारों को छूता है, उसका बड़ा मेला होता है चंडिका दिवारा होता है, उसमें जिन लोगों ने ही दिवारा छुआ होगा वही यहाँ का पुजारी होता है, इस देवी का पुजारी होता है। तो ये परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर 200-300 दिए जा रहे हैं हमारे गाँव वालों की, ताकि गाँव में परंपरा सब लोग राजी खुशी रहे, तरक्की करें, कोई बीमारी ना हो, सब स्वस्थ रहें, और इस तरीके से सारे गाँव वाले अभी रात भर जागर लगाते हैं। और सुबह जो है ये जो हमारा भाड़ा है ये सुबह चले जाता है, और देवी शाम को जब इसका चंद्रा होता है चंद्रा देवी का होता है, जिसके बाद चंद्रा होता है उसका पान करती है, और उसके बाद जो है शाम को 8 बजे अपने सूक्ष्म रूप में जहाँ पे उनका अपना स्थान है नरसिंह भगवान के मंदिर में वहाँ चली जाती है। यही परंपरा यहाँ की है। नृत्य और गाने में सारे भगवान और देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, आप सुन सकते हैं। और ये नृत्य हमारे गढ़वाल की जिसे दाकुड़ी कहते हैं वो नृत्य है, इसे दाकुड़ी कहा जाता है। जय नंदा जय नंदायो मासी को फूला, जय देव चरो लायो मासी को फूला, जय देव चरो लायो मासी को फूला, गढ़ी भवानी चरो लायो मासी को फूला, गढ़ी भवानी चरो लायो को फूला, जय नंदा जय नंदायो मासी को फूले, जय नंदा जय नंदायो मासी को फूले, जय नंदा जय नंदायो मासी को फूले, जय देव चरो लायो मासी को फूले, जय देव चरो लायो मासी को फूले, जय नंदायो मासी को फूला।
देवी चढ़ो लायो मासी को फूला बिचड़ो लायो मासी को फूला देवा चढ़ो लायो मासी का फूला मासी का फूला हरिद्वार हरिद्वार आयो मासी को फूला देव चलो यो मासी को फूला फूला चलो यो मासी को फूला मेलायो मासी को तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं फुलकोटा से अब अपने घर पे और बज चुके हैं रात के 12। तो मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूं। अगर आप लोगों को मेरे आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ नई चीज़ें लेके। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय चंडिका मैया।